राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है, मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद की जो तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है उसे इस बार खत्म कर दें, तो वो अब्बा जान क्यों बोलते हैं? पिताजी बोलना चाहिए था ना उनको, अब्बा जान क्यों बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स। और उन्होंने जो किताब अपना वो रिकॉर्ड बताया झूठ है, वो 33 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ का नाम पोर्टल पर है। 2020 फरवरी में उनका मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 33 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ के नाम है जिनको नौकरी की जरूरत है। सीएमआई का डेटा है कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तर प्रदेश में। अब गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी तो तुष्टिकरण था क्या? वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो क्या तुष्टिकरण था? नदी के किनारे लोगों को लकड़ी नहीं मिली अपने वालिद को, अपनी माँ को, अपने भाई को, बेटे को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, तो जमीन में दफना दिए तो कुत्ते लोच कर खा रहे थे, तो क्या तुष्टिकरण की राजनीति थी? वो कौन सी बात कर रहे हो? तो ये इनका रिकॉर्ड है।